हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, एनएमडीसी के अंदर कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं एंड दीज वैकेंसीज आर रिलेटेड टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन। सो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दैट बेसिकली हियर यू कैन सी एनएमडीसी बेसिकली एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग इन रिक्वेस्ट एट क्वालिफिकेशन मेंशन अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी में सबमिट देयर एप्लीकेशन टू रीच बिफोर 15/6/2021 थ्रू ईमेल। ओके, तो ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन आपको भेजना है यहाँ पे। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 60। ओके, एंड उसमें आपको 4 ईयर डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है एंड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का आपको कोर्स रिक्वायर है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वी कैन से 59। ओके, नाउ कैंडिडेट शुड चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो दोबारा से वही है यहां पे। नाउ स्टाइपेंड की बात करें, अगर स्टाइपेंड फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इज 20,000 वेयर एज फॉर टेक्निकल अप्रेंटिसशिप इट इज 16,000। ओके, तो ये यहाँ पे वैकेंसीज हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में आप देख लेते हैं। सिलेक्शन, ए कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय कमिटी फॉर ईच कोर ब्रांच बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन डिग्री डिप्लोमा। सो डायरेक्ट सिलेक्शन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कोविड के कारण नो हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल होगा, यहाँ पे कोई हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं देंगे आपको। ओके, सो पूरा डिटेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन है, एक बार आप जाके देख लो यहाँ पे कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट के ऊपर। एंड अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन जस्ट बेसिकली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट सब्सक्राइब योर पीडी एजुकेशन फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक यू वेरी मच।